देखिए पूरे बिहार में संगठन के ऊपर काम की जा रही है और फिर सभी चले गांव की ओर का कार्यक्रम है, सदस्यता अभियान है जिसमें लाइफ टाइम मेंबर पार्टी को बनाना है, आज सदस्य बनाना है। इसको लेकर कार्यक्रम पूरे संगठन के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। तो इसके लेके हम लोग भी पूरे बिहार में दौरा पे निकले, अभी मैं गया जा रहा हूँ तो अभी कल कटिहार जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में कार्यक्रम किया जा रहा है, पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। जो कल हमने लड़ाई लड़कर जो समाज 75 साल से दबा कुचला था वो समाज मजबूती से खड़ा हो गया अपने पैरों पे, और कह सकते हैं कि जो मछली मारने वाला समाज था वो बिहार के राजनीति में खड़ा हो चुका है। और 2020 में निषाद का बेटा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये उपलब्धि हम लोगों को हासिल हो गया। अभी कल तक 4 विधायक था, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और एक समय आएगा कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो हमारी जो नीति है, नियत है, जो हमारे काम करने का तरीका है वो गांव-गांव तक, जन-जन तक लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी से, ताकि कल आने वाले समय में मजबूती से बिहार में जो अधिकार के लिए दूसरे के पीछे घूम रहे थे वो अधिकार कल हम लोग अच्छा काम करेंगे, राज्य में काम करेंगे तो सरकार सिस्टम होंगे और हम लोग दूसरे को उम्मीद पे खरा उतरेंगे। तो ये जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बिहार में सत्ता में है और वो दूसरे के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी आ सकते हैं। यही सब कार्यक्रम है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने तन मन धन लगा के मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वीआईपी न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। वीआईपी न्यूज़ टुडे में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी जो बिहार की आने वाले समय में जिस तरह से मामला बिहार का चल रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है। मुकेश सहनी निरंतर बिहार का दौरा करने पे लगे हुए हैं और निरंतर वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर मीटिंग आए दिन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत, पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, ये सभी विषयों पर चर्चा निरंतर बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात वीआईपी पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि किस तरह से वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी के मंत्री पद को छीना गया, विधायकों को खरीदा गया। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि एक एक विधायक को 100-100 करोड़ रुपए में खरीद कर हमारी पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन विधायक ने पार्टी नहीं बनाई थी जबकि पार्टी ने विधायक को बनाया था। अब विधायक अगर चले गए हैं तो कोई बात नहीं, पार्टी अपनी जगह पे है, पार्टी कहीं नहीं गई है और पार्टी हमेशा से समाज की पार्टी रही है, समाज के हित और अधिकार का कार्य किया है और आने वाले समय में भी पार्टी समाज के ही हित और अधिकार की बात करेगी। ऐसा वो निरंतर जो है अपने फेसबुक पेज के माध्यम से मीडिया से बातचीत करते हुए निरंतर बता रहे हैं और अपने लोगों में जा करके जहां पर भी वो मीटिंग कर रहे हैं वहां पर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से वो छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके चले गए, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और जहां हजारों समस्याएँ होती हैं वहाँ ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। मुंबई जाकर के 30 रुपये रोज़ की यानी लगभग 900 रुपये महीना की मजदूरी करने वाले व्यक्ति आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में सफलता को हासिल करके फिर बिहार जब वापस आए तो देखा कि बिहार में उनके चाचा, उनके पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वो छोड़ करके गए थे। तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने समाज के, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। फिर उन्होंने संगठन के माध्यम से संघर्ष करना शुरू किया लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई और धीरे धीरे उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया, फिर राजनीति पार्टी को बनाया,
फिर चुनाव लड़े, हार गए, फिर चुनाव लड़े, फिर जीत गए। फिर एक समय ऐसा आया कि बिहार में मुकेश सहनी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, तो आज नीतीश कुमार मुकेश सहनी की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो चाहते तो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाते और हो सकता है उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता था, लेकिन निरंतर मुकेश सहनी बिहार में दौरा जो कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सब चीज़ें और किस तरह से बिहार की राजनीति को लोग देख रहे हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा जिस तेज़ी से, जिस गर्माहट के माध्यम से चल रही है, वो सब चीज़ें निरंतर देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी बिहार की राजनीति में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति बहुत तेज़ी से गर्मा गर्मी को छू रही है और आने वाले समय में लगता है कि वीआईपी पार्टी अपना एक बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में प्ले कर सकती है, क्योंकि निरंतर मुकेश सहनी जी यह भी कह रहे हैं कि अगर जिसको भी बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो बिना वीआईपी पार्टी को शामिल किए बगैर नहीं बनने देंगे। आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जितना वोट चाहिए उसका आधा वोट मुकेश सहनी जी के पास में है, और अगर वो उनके साथ गठबंधन करके या उनको शामिल किए बगैर या उनको अपने साथ लिए बगैर कोई पार्टी बिहार में सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। तो खैर, आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीआईपी न्यूज़ टुडे में, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूरे बिहार में संगठन के ऊपर काम की जा रही है और फिर सभी चले गांव की ओर का कार्यक्रम है, सदस्यता अभियान है, जिसमें लाइफ टाइम मेंबर पार्टी को बनाना है, आज सदस्य बनाना है। इसको लेके कार्यक्रम पूरे संगठन के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। तो इसके लेके हम लोग भी पूरे बिहार में दौरा पे निकले हैं। अभी मैं गया जा रहा हूँ, तो अभी कल कटिहार जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में कार्यक्रम किया जा रहा है, पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। जो कल हमने लड़ाई लड़ा, जो समाज 75 साल से दबा कुचला था, वो समाज मजबूती से खड़ा हो गया अपने पैरों पे, और कह सकते हैं कि जो मछली मारने वाला समाज था वो बिहार के राजनीति में खड़ा हो चुका है। और 2020 में निषाद का बेटा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये उपलब्धि हम लोगों को हासिल हो गया। अभी कल तक 4 विधायक था, आने वाले समय में 40 बनाएंगे, और एक समय आएगा कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो हमारी जो नीति है, नियत है, जो हमारे काम करने का तरीका है, वो गांव-गांव तक, जन-जन तक लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी से, ताकि कल आने वाले समय में मजबूती से बिहार में जो अधिकार के लिए दूसरे के पीछे घूम रहे थे, वो अधिकार कल हम लोग अच्छा काम करेंगे, राज्य में काम करेंगे, तो सरकार सिस्टम होंगे और हम लोग दूसरे को उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे। तो ये जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बिहार में सत्ता में है और वो दूसरे के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी आ सकते हैं। यही सब कार्यक्रम है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने तन मन धन लगा के मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करें जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।